जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है। खेत में पानी भरा हुआ है और फसल बर्बाद हो रही है। ये नजारा है सीतापुर जिले का, जहां बाढ़ ने कहर बरपाया है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही प्रशासन से कोई मदद मिल रही है। सरकार तमाम दावे करती रही, लेकिन बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, कम से कम लाखन बीघों की जमीन कट चुकी है नदी में दिखरा से, और हम लोग रहने का कोई निवास भी नहीं है, ना घर बनाने की जगह ही मिल रही है, ना हम लोग कोई कार्ड मिल रहा है कि हाँ इनको गल्ला मिल जाए कुछ, तो ना अच्छा पानी पीने मिल रहा है। नदी का पानी हम लोग पीते हैं, नदी इससे बच्चे भी बीमार होते हैं और नाना प्रकार की बीमारी भी फैलती है। बैराजों से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से सीतापुर जिले के 3 तहसीलों महमूदाबाद, लहरपुर, बिसवा में बाढ़ का पानी भर गया है। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। घरों में 3 से 4 फुट पानी भर गया है और लोगों को ना तो खाना नसीब हो पा रहा है और ना ही पीने का पानी। हालात इतने खराब हैं कि बाढ़ की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं और इलाज भी नहीं हो पा रहा है। लोगों का आरोप है कि अधिकारी जायजा लेने तो आते हैं, लेकिन सिर्फ कोरे वादे कर वापस लौट जाते हैं। बार बार बनाते हैं, घर कट जाता है, और कहाँ जाते हैं, सामान कहाँ रखते हैं, किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, इस पर सरकार की कोई निगाह नहीं डालते हम लोगों की तरफ कभी भी। चले जाते हैं वोट के टाइम, मुलाकात करते हैं, इसके बाद कभी हमको मुलाकात नहीं करते हम लोगों की। वही प्रशासनिक अधिकारियों ने इसके लिए सिंचाई विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है और मान लिया है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भेजी गई 7 करोड़ रुपए की योजनाएं बाढ़ के पानी में बह चुकी हैं। काशीपुर में जो इनके द्वारा स्ट्रेट ठोकर जो बनवाई गई थी बाढ़ प्रखंड द्वारा, तो कट गई हैं। ग्रामवासियों शिकायतें थी कि वहाँ पर पिचिंग वर्क थोड़ा और अच्छा अगर हो जाता तो बेहतर होता, तो उसी संबंध में अब एक रिपोर्ट ना के हम लोग भेज रहे हैं, और कोई अगर जांच की आवश्यकता पड़े तो जाँच कराई जाए, वो किसी खिलाफ कार्रवाई की बात आई वो भी कराई जाएगी। अधिकारी लापरवाही की बात मान रहे हैं और बाढ़ के आगे बेबस लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि बाढ़ से निपटने के लिए ठोस इंतजाम क्यों नहीं किए गए, क्यों करोड़ों रुपए की योजनाएं पानी में बहा दी गई। आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।